चौखट में अच्छी तरह से 3 से 4 इंच होल होनी चाहिए और 1.5 फुट या 1 फीट के अंदर एक एक होल होने चाहिए। देखिए आप इस तरीके की होल करेंगे और होल को क्रॉस करके करेंगे, अच्छी तरह से ऑयल वाली दवाई उसके अंदर जा सके, ठीक है। उसके बाद आप सारी होल ख़त्म होने के बाद ऊपर के हिस्सा में जो मोल्डिंग है आप नॉर्मल ढीला करेंगे, ज़रा सा ढीला करेंगे, ठीक है। इस तरीके की ऊपर में एक छेद करना या एक होल करना कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक छेद कर रहे हैं तो ये 3 फुट के अंदर जो चौखट है 3.5 फुट में ये दवाई उसके अंदर नहीं जा पाएगी। हमारी ये प्रोसेस है कि इसमें टैपिंग होती है। टैपिंग होने की वजह यह है कि ऊपर की तरफ से हम जब दवाई की इंजेक्ट करेंगे, दवाई जब डालेंगे तो ये बह के निकलेगा नहीं, टेप के अंदर सारे कैप्चर हो जाएगा, जिसकी जरिए से बेनिफिट ये मिलेगा कि जो ऑयल वाली दवाई होती है वे अच्छी तरह से चौखट में और मोल्डिंग में ट्रैवल कर जाएगी, यानी पूरी दवाई भीग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल्स क्या यूज़ करेंगे। देखिए हमने एक फ्लैट ट्रीटमेंट के लिए 5 लीटर मिट्टी तेल, सॉरी 2 फ्लैट था, 5 लीटर मिट्टी तेल और ये 5 लीटर का एग्रोसाइंस के अंदर अप्रूव होने वाला क्लोरोफारीफास, जिसका ब्रांड का नाम है ड्रसबन। उसके बाद एक बिग फ्लिक्स, एक दवा निथल। निथल स्मेल ज़्यादा होता है, हमने निथल इसलिए लिया कि जैकि जो कॉकरोच है वो सीवर लाइन के जरिए से होते हैं और नाली में डालो तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और आप ये देखिए, जैसे कि ये लिक्विड ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस है जिसमें से 100 ml क्लोरोफारीफास और उसके बाद 3 लीटर की वाटर मिक्स होती है। आप इस तरीके की वाटर ट्रीटमेंट यानी लिक्विड ट्रीटमेंट आपके फ्लैट में कराएंगे या हाउस में कराएंगे तो कुछ सालों के बाद, ऐसा नहीं कि अगले दिन आपको देखने को मिलेगा, बट एक दो बार ट्रीटमेंट होने के बाद फिर 2-4 साल के अंदर अंदर इस तरीके की आपको नुकसान सहना पड़ेगा और पूरी अलमारी चौखट ये सारे डैमेज हो जाएंगे। देखिए एक फ्लैट था जिसने 3 मंथ के लिए पेस्ट कंट्रोल करा के कहीं फॉरेन गए थे, बट इन्होंने जब वापस आया इस तरीके की उनकी पूरी नुकसान हो गया था और फिर इन्होंने हमें पूछने लगे कि ये क्यों हुआ, किस वजह से। ये सब वाटर ट्रीटमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट यानी 100 ml क्लोरोफारीफास में जब 3 लीटर पानी यूज होती है तो पानी प्लाईवुड, सनमाइका और इसके अंदर फेविकॉल में जो पावर्स होता है इनको ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे जल्दी से जल्दी इसमें दीमक शुरू हो जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट होता है, आप वाटर ट्रीटमेंट एक्चुअली मच्छर मक्खी और आपके घर में चींटी और कॉकरोच इन जैसे चीज़ों के लिए होता है, जो वाटर को मिक्स करके हर ज़मीन में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट जहाँ पर आपकी फर्नीचर है आप इस तरीके की वाटर ट्रीटमेंट ना करें। जब भी आप पेस्ट कंट्रोल कराते हैं तो आपका जो फैमिली पेस्ट कंट्रोलर होता है, जिससे आप कई सालों से करते आ रहे हैं और कई सालों से उनसे जानते हैं, और उनको बोल के आप ऑयल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ऑयल ट्रीटमेंट कराएंगे तो 100% आपका ये सारे फर्नीचर और जो भी इंटीरियर काम हुई है सारे सेफ्टी रहेगा और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। ट्रीटमेंट एंटी टर्माइट की केमिकल्स और सारे कीटनाशक के ऊपर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो आप हमारे डिस्कशन में नंबर है उसी नंबर से व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।